देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों दिगंबर संतों के चरणों की रज से धन्य हो रही है। संतों के भव्य समागम के साक्षी 27 नवंबर को ऋषभ विहार की पावन धरा पर हजारों लोग बने। इस दौरान ऋषभ विहार स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज ससंग, प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज और चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ससंग का मंगल मिलन हुआ। संतों के मंगल मिलन के साक्षात दर्शन को भक्तों का हुजूम मिलन स्थल पर उमड़ पड़ा। सौभाग्यशाली भक्तों ने दिगंबर संतों का पाद प्रक्षालन कर सौभाग्यार्जन दर्शनों से स्वयं को अभिभूत किया। संतों के एक स्थान पर एकत्रित होने के बाद जैन मंदिर के प्रांगण में संतों की विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि मुनि सेवा का उत्साह भक्तों के चेहरों से दिखना चाहिए। श्रावकों में उत्साह होना चाहिए कि मुनि संघों का कभी भी योग मिले, मुनिराजों को लाएं, उनकी सेवा करें। श्रमणों की परंपरा, प्राचीनतम परंपरा, ऋषभ देव की परंपरा, 24 तीर्थंकरों की परंपरा, बल्कि वस्तुनिष्ठ विज्ञान की तरफ से विचार करें तो अनादि निधन है ये श्रमणों की परंपरा। ये भगवान महावीर स्वामी की परंपरा है। अमुक आचार्य तमुक आचार्य तो हम समझने के लिए बोलते हैं। वहीं धर्मसभा में चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने कहा कि जब तक अंबर रहेगा तब तक दिगंबर रहेगा। दिगंबरत्व की साधना घनघोर साधना है। जब तक रहेगा अग्नि अंबर तब तक रहेगा ये दिगंबर। इनके दिगंबरत्व की जो साधना है वो घनघोर साधना है। नेत्रों के दिगंबर दूसरे को भी दिखते हैं, भावों के दिगंबर मात निज को ही दिखते हैं। इस मंच को देख करके शरद जी कुछ विचार करो, कब तक अंबरों में और कब तक आडंबरों में। दिगंबर संतों की इस विशाल धर्म सभा का आनंद उठाने के लिए हजारों भक्त ऋषभ विहार के दिगंबर जैन मंदिर में उपस्थित रहे। सभी ने दिगंबर संतों के सानिध्य में ज्ञान गंगा में गोते लगाए। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।